ये पॉट हमने किस तरीके से बनाए हैं हम वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो टोकरी के देख सकते इससे बनाए हैं टोकरी, जैसे टोकरी से बनाए हमने, अंदर रख ली टोकरी, उसके ऊपर से बनाई हमने पॉट गमला, और बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है ये, और आसानी से निकल भी जाता है। इसी तरह से हमने दो गमले बना लिए हैं, और तीसरा गमला हम आपको बना के दिखाएंगे। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में हमें लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर हमने ये ले ली है मोरम, और हमने पता 5 किलो लेके आए थे सीमेंट, तो इसमें हमारे दो गमले बन चुके हैं और दो और बन जाएंगे, 5 गमले तैयार हो जाएंगे। बहुत कम खर्चे में पॉट हमारे बन के तैयार हो जाते हैं, और मार्केट से लेके आएंगे एक गमला तो इतना एक ही मिलेगा, मतलब एक ही गमला आएगा इतना, और इसमें हमारे 2-4 गमले तैयार हो जाएंगे। और मार्केट से लाएंगे तो इतने मजबूत गमले नहीं मिलते हैं मुझे। तो आप लोग भी घर पे ही गमले तैयार कीजिए, कम बजट में कम पैसे खर्च करिए, और ढेर सारे गमले बनाइए। अब कैसे बनाते हैं देखिएगा, ये टोकरी हमने रख ली है, और इस पर बिछा लेंगे पेपर चारों तरफ से, ताकि इसके जो छेद हैं अंदर ना जाए सीमेंट, इस तरीके से। देख सकते हो इधर चारों तरफ से हमने सीमेंट को अच्छे से लगा दिया, और पेपर से टोकरी को कवर कर दिया है, इसके ऊपर से सीमेंट ये मसाला है जो गमले का शेप देते जाएंगे, और जितना आपको मोटा बनाना हो, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें बनाने में, ये शाम तक निकल भी आएगा। पॉड हमारा बनके तैयार है, अब इसमें एक हॉल कर देते हैं। इधर हमारे ये पॉड अच्छे से पक चुके हैं, और इधर निकाल भी दिए थे हम आपको, निकाल के दिखाएंगे, और सारे निकाल दिए थे, और एक ये और बन गया था, हमने आपको एक बना के दिखाया था, उसी सीमेंट से हमारे ये गमला और भी एक पॉड बन गया था, ये प्लास्टिक का था, इसी के अंदर हमने बाहर से जैसे बना दिया था, तो ये भी हमारा एक बन के पॉड तैयार है। और ये टूटने वाला था, बिल्कुल ख़राब था, ये प्लास्टिक इसकी ख़राब हो चुकी थी, तो इसके एक इसका दूसरा सेप हमने दे दिया था, तो ये भी बनके तैयार हो गया। और इधर ये भी बना निकाल के आपको दिखा रहे हैं, ये निकाल दिया था सौरभ के पापा ने पहले से, तो हम आपको दिखा रहे हैं दोबारा से निकाल के इस तरह से, देख सकते टोकरी आसानी से निकल जाती। और इधर हमने कॉपी वो लगा दिए थे, पेपर लगा दिए थे, ऐसे आसानी से निकल जाती है। आप भी पोलोथीन वगैरह या पेपर वगैरह कुछ भी डाल लीजिए अंदर से,
तो इसे पेपर को हटा देते हैं सारे। तो इधर ये हमारे अब दिखा रहे हैं सारे गमले हमने कितने तैयार किए हैं और मात्र 100 रुपये में। 60 रुपये की हमारी सीमेंट आई थी और 40 रुपये की मोरम, उसमें हमारे दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखो 1 2 3 4 5 5 पॉड हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो हम मार्केट से लेने जाएंगे तो एक ही पॉड मिलेगा हमें, 100 रुपये का पड़ेगा। तो है ना, अच्छा अपने घर पे लाओ। हाँ, और 100 रुपये में 5 बन गए तो अच्छा है ना अनुराग। और खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, अपने घर को सजाइए कम खर्चे में। तो हम इसमें एक में लगाएंगे तुलसी, और भी फुलवाड़ी लगा देंगे इसमें। इसे आप कलर भी करना चाहो तो कलर भी कर सकते हो, तो और भी खूबसूरत लगेंगे। ये सुबह बनाए थे, नहीं शाम का टाइम है, शाम को देख वीडियो शूट कर रहे हैं और शाम को देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं सारे, और इसमें पानी डालते जाइए तो और भी अच्छे से पक जाएंगे। हाँ इधर एक गमले हमने लगा दिए नौजिया, एक में नहीं दो में लगाई है, दो तरह की है। तो ये इसमें लगा दी है नौजिया, और एक में लगी तुलसी, और इधर इसमें भी नौजिया है। 3 गमले पॉट में हमने लगा दिया है, अभी 2 बाकी हैं तो उन्हें लगाएंगे बाद में। तो इसमें पानी भी लगा के डाल दिया है और इन्हें छोड़ देते हैं ऐसे ही। और वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग भी बना सकते हो, क्योंकि मार्केट से लेने जाओगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं, और घर पे बनाओगे तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है, और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाना, और ढेर सारे गमले कुछ पैसों में बन जाएंगे। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस।